हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल ते असीं तुहानू प्रोवाइड करांगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दीआं 10वीं ते 12वीं दीआं बोर्ड प्रीख्यावां नाल संबंधित सारीआं अपडेट्स। जिवें कि तुहानू पता ही है, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वल्लों रिवाइज डेट शीट लिखती प्रीख्या लई जो जारी की गई है, उहदे विच 10वीं दे पेपर 3 तरीक तों लै के 23 अप्रैल तक होण बारे डेट शीट आई है। तो इस तरह प्लस टू लई भी डेट शीट आ चुकी है। जो प्लस टू क्लास के एग्जाम हैं वो 3 अप्रैल तो लैके 18 अप्रैल तक होने हैं। तो हुण इस संबंध में जगबाणी ते नवीं न्यूज़ आई है जी, वो न्यूज़ असीं तुहानू दिखा दिंदे आ। जगबाणी ते ये वाली न्यूज़ आई है जी, प्रीख्यावां ते भी होवेगा 21 दिन के लॉकडाउन का असर। इस न्यूज़ नूं असीं तुहानू पूरा दिखा दिंदे आ जी, जगबाणी ते न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ के दसिया जा रहा है प्रीख्या ते भी होवेगा 21 दिन के लॉकडाउन का असर। लुधियाणा तो खबर लगी है जी, कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पूरे देश की गई 21 दिन के लॉकडाउन की ऐलान कारण पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 1 अप्रैल तो रीशड्यूल की गई 5वीं 10वीं 12वीं दीख्यावान फिर तो टालन के बदल मंडरा रहे हैं। PSB ने उक्त क्लासा की पहला टाली गई प्रीख्या दोबारा लैन लिए 4 दिन पहला ही नवी डेटशीट जारी की सी, भावें कि मोदी के हुक्मों बाद हुण विद्यार्थी अध्यापक ते मापिया दी नज़रां PSEB दे अगले फैसले ते हन। दस दईए कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रभावों को देखते हुए 5वीं 10वीं 12वीं क्लास दीआं जो बोर्ड प्रीख्यावां दे नाल नाल 8वीं क्लास की प्रैक्टिकल प्रीख्या नूं रद्द कर दिता गया सी। इस संबंध में बोर्ड वालों शुक्रवार को फिर तो नवी डेटशीट जारी करदे 1 अप्रैल तो दोबारा प्रीख्यावां शुरू करने की घोषणा की गई सी। हुण मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही है कि PSEB हुण 1 अप्रैल तो शुरू होने वाली प्रीख्यावां नूं टाल के पूरी स्थिति का आंकलन करन तो बाद ही नवी डेटशीट जारी करेगा। भावें कि बोर्ड वालों रीशड्यूल की गई प्रीख्यावां की घोषित डेटशीट के बाद अध्यापकों नाल विद्यार्थियों के मापिया ने भी बोर्ड से प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस समय की नाजुकता ना समझते हुए जल्दबाजी में लिया गया फैसला दसिया। मापिया का कहना है कि जेकर स्कूल 1 अप्रैल को खुल भी जाते तो भी बोर्ड कुछ दिन होर इंतजार करना चाहिए सी। उधर CBSE और ICSE वालों पहले ही अपन बोर्ड क्लासा दीख्याव टाल दी गई उ प्रतियोगी प्रीख्या JEE NEET के नाल होर कई प्रतियोगी प्रीख्यावान के आयोजन भी देरी होने की संभावना प्रबल हो गई है। तो यह जी नवी न्यूज़, बाकी देखते हाँ बोर्ड द्लासिस के जो एग्जाम होने हैं उन्होंने संबंध में फरदर जो भी अपडेट्स निकल के आनगियाँ वो सारिया अपडेट्स भी असं थोड़े तक पहुँचावे। बोर्ड दीख्या संबंधित सारिया अपडेट्स पाने चैनल में सबसक्राइब कर लेना जी।